हेलो, मैं मनीक जागलान न्यूज़ देसी में सारे दर्शक साथियों ने राम राम करूँ भाई। और आप यहाँ भी बरवाड़ा में, और बरवाड़ा की जो नए बस स्टैंड का बिल्कुल सामने कक्कड़ मार्केट और मॉडल टाउन की जो गली है, आज पूरा बारिश हुई है। और बारिश के बाद थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हुई, किसी बारिश हुई है। और बारिश के बाद का माहौल देख लो एक बार, कैमरामैन दूर तो ही दिखा दो, फिर बात कराएंगे उरू के साथियों। तो कड़ियाँ पैरे जान का देखिए, वगैरह तला ना करिए कैमरा, न्यू उपरा गोड्या तो सामने के जाना पड़ा भाई। देखिए दूर तो ही गली में अंकल नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई, उरे दे हो गए ना भाई? खेदड़ के हाँ, खेदड़ के हो हाँ। तो देखियो के हाल हो रहा है, देखा। अच्छा हाँ, तो के कारण है क्यों नहीं बनने लग रहा भाई? ये तो इनकी कमी है अभी तो। कितने एक साल तू रही यू मोल है? ये तो मैं देखा उतने के है। कितने की बारिश हुई है? कुछ भी को नहीं हुई बारिश। फिर यो पानी होए है रोजे नहीं रहा है? हाँ नहीं रहा बैठ दो। राम राम भाई। राम राम भाई, वही के नाम है? संदीप बदनाम भैया भाई। उरे था के बरोड़े था? हाँ बड़ा स्टूडियो भी है इस मार्केट में, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन का इस मार्केट। या मार्केट से कवा तो मार्केट है बिस्ने। इसका हाल देखिए भाई। अच्छा इस इसका कोनी सारा बरवाड़ा का जो लाता है, थोड़ी बूंद हो जाए तो मेन रोड पे कोनी जगह लखनना है। ये तो गली होगी कच्ची पक्की सड़क पे कोनी लखनना जगह। क्या कारण भाई, क्यों कोनी बनन लग रही है भाई? अड़े जो बरवाड़ा की जनता है नी, वह निकम्मी लगा, क्योंकि अच्छा आदमी ना आज तक कभी भी लंबे समय से कोई अच्छा आदमी ऐसा जो जनता का इतना सोच सका, ऐसा आदमी कोई नहीं चुना। जोग्राम से आगा है वो, बस यहाँ करेगा तो कि मैं देखो भी, बाकी लगता तो नहीं है। हालात देखें भाई, सा कर दिया देख ले यू हाल है बिल्कुल भाई। सारी गाड़ी दिखावांगे जोग्राम को सांदा को नहीं गाड़ में को जोग्राम आड़े रहा करता पहला भी दौर बन रहे थे उन्दी के कर दिया। हाँ तो के विचार अपने भाई बढ़िया भाई, मतलब को भाई नरक हो रहा भाई, करवा दियो बढ़िया करवा दियो। नरक हो रहा है? नरक हो रहा है। हाँ तो राम राम। राम राम भाई। कौन सा काम? तो खेदड़ खेदड़ता है अपने तो आड़े इलाके पुंडी है। हाँ जो वह पुंडी हम चढ़ दड़ी दिक्कत होती होगी। दिक्कत तो है फिर भी शाग साहब है नहीं, जोगीराम यू करवाए जगह काम करवा देगा। बहुत बढ़िया आदमी है बहुत। मैं भाई जोगीराम सियाग से एक अनुरोध करता हूँ, लोगों ने विश्वास है आपके ऊपर और विश्वास के ऊपर खरा उतरो। कुछ गलियां हैं बरवाड़ा के अंदर, थोड़ी थोड़ी बारिश होते ही मतलब यहाँ पर पूरा हाल हो जाए है। बनाए हो करवाए जगह, उस पर तकरार पूछा होगी जो कमेटी दुनिया सौदा पूछा जा। बहुत बढ़िया आदमी है, शायद हो सकता है वार्ड नंबर 12 ही गली हो। और भी दिखाओगे भाई? मेरे साथ आए कैमरामैन, बिल्कुल चढ़न ने जगह को नहीं, उर्गो चालन ने जगह नहीं है। मेरे साथ जुड़े रहे भाई, देखियो चिक्कड़ उर्गो बुरा हाल है जमा। दुकानदार साथी इस तरह मिल रहे हैं भाई। भाई राम राम। राम 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 राम। दुकान अपनी? हाँ बिल्कुल भाई। यूके हाल हो रहा है भाई? बहुत दिन हो गए राम बरसा अर डोगो गोटे गोटे पैरिस का मैं डूब जाए, इतना चिक्कड़ हो रहा सुती त्रिया। आने जाना टपना को मुश्किल हो रहा है जमा सुती त्रिया। पाछा अकेडमी है बड़कन, आने जाने में दिक्कत हो है। सुधार की बात या कार तो मेरे ख्याल में पास हो रही है, इसकी पैमाइश वगैरह भी हो ली। बाकी कोई काम नहीं स्टार्ट होया है। देख लो भाई मतलब क्यों रहा है। राम राम राम। ये तो भाई गामा में तहरी है ताई, इन्हें तले बेरा को नहीं। बाकी खेदड़ जाऊंगी है और इन भूडियों में चढ़ने जगह घूम पाती हूँ, चिक्कड़ बुरा हाल हो रहा है। और मैं बता दूं भाई सारे दर्शक साथियों ने बता दूं, बरवाड़ा का एजुकेशन अब है उरे, और एजुकेशन अब की वह गली है। इस गली का हाल देख लो, उनको बालक आव जाव है रोज, और उनको बालक जान खेतर जगह नहीं बचरी कड़िया भी कड़े को जाओ बाड़क और कड़े को उर्को आम नागरिक चल रहा है। देखियो भाई गाड़ी चलन लग रही चिक्कड़ में, वो कड़े कड़े को जगह है कि नहीं है देखता हुआ लग रहा है। और भी सारे साथियों ने मिलावा है बेउरो जी, जिसकी दुकान सेंटर सारी चीज है, मेरे साथ जुड़े रहो। रोक ले एक बार। देखियो भाई मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा, देखिए उरा कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। देखियो ये गली है और ये देखियो इस साइड की गलियाँ, और वो देखो उरको सेंटर, उरको ये सारे सेंटर आ गए। एजुकेशन अब है बन खड़ा है उरा पूरा। इस साइड तो देखियो कचरा कूड़ा कचरा कितना बुरा हाल हो रहा है। यह गली दिखाइए भाई, नुनालापन है सारी। देखियो मतलब कि कहीं से आने जाने को रास्ता नहीं है। आगे भी देखियो क्या बुरा हाल हो रहा है, तगार मचा रखा सारा सुध का। ये उरको सारा एजुकेशन अब और अस्पताल सारे हैं उरे, मिलांगे और कुछ साथी खड़े हैं उनते भी मिलांगे। एरिया है बरवाड़ा का जड़ है, एक एजुकेशन हब और अस्पताल भी बहुत से उरे। आप एक जो साथी कुलदीप, डॉक्टर कुलदीप जी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात कराएं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और सर ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। तो सर जो इस मार्केट का जो हाल है, इसका के कारण मानो आप?
देखियो जी, पहले प्रशासन से भी कई बार गुजारिश कर चुके हैं कि जो गली है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सहन करनी पड़ रही है लोगों को, क्योंकि कम से कम 5-6 तो हॉस्पिटल है और शिक्षण संस्थान है, 15 से 20 अकेडमियाँ हैं, दूसरा कोचिंग सेंटर हैं, और प्रशासन हर बार ये जुमले दे के चले जाते हैं कि हाँ पक्की होएगी, लेकिन उम्मीद है प्रशासन से, हम भी अभी भी हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको जो व्यवस्था बनाई जाए, पक्का किया जाए, एक पहले सीवरेज बनाया जाए फिर गली बनाई जाए। यहाँ पर अभी तक सीवरेज भी नहीं दबाए हुए है क्या? नहीं जी, सीवरेज भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी। पानी देखो सड़कों पे, कोई भी चाहे एक गिलास पानी अंदर खिंडा दो सारा सड़क पे आता है बिल्कुल जी। और जो हम बात करें पानी की, अपना सप्लाई का जो पानी आता है वो यहाँ पर पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है? नहीं, वाटर सप्लाई की जो है ना, जो पाइप लाइन बिछी थी वो लगभग 2-3 महीने हो गए, लेकिन उसमें वीकली पानी आता है, हफ्ते में एक दिन पानी आता है सप्लाई। और कोई ऐसी समस्या जो इस समस्या है आपने इस मार्केट में कोई दिक्कत होती हो? क्योंकि यो जो एरिया है सारा एजुकेशन और मतलब डॉक्टरी लाइन से जुड़ा हुआ एरिया है, मैं भी यहाँ पर नज़रें घुमाई थी तो 3-4 हॉस्पिटल भी मैंने यहाँ पर दिखे हैं, मोटे मोटे तौर पर 5 हॉस्पिटल और कम से कम मान के चलो 10 से 12 लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, मतलब ये है। तो ऐसी कोई और समस्या हो? नहीं, हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इस गली को जल्द से जल्द पक्का किया जाए, पहले सीवरेज बनाया जाए फिर पक्का किया जाए, साथ में जो लड़कियां भी आती हैं यहाँ कोचिंग के लिए पढ़ने के लिए उनके भी व्यवस्थाएं, के जो महिला पेशियार है ना उसका भी दिन में कम से कम 3-4 राउंड लगाया जाए, और जो मनचले बच्चे आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी थोड़ा लड़कियों की व्यवस्था की जानी चाहिए, पेशियार महिला पेशियार जो दुर्गा शक्ति वगैरह है उनकी व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए। दूसरा सबसे मेन ये गली वाली है, लाइट वाली व्यवस्था अब ठीक हो चुकी है जी, लाइट स्ट्रीट लाइट लग गई है, पानी की हो गई है, दो चीज़ें हो गई हैं बाकी। हाँ जी, चैनल के साथ जुड़े रहिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हरियाणा।